हेलो फ्रेंड, मैं रेखा दिल्ली से। मेरा यूट्यूब चैनल वाटिका। फ्रेंड देखो, ये मैंने खुद शुंगुनी बनाए हैं। मिनी वैरायटी के हो गए ये। और ये मैंने बड़े ही शुंगुनी प्लांट से ही बनाए हैं। फ्रेंड मेरे पास तीन हो गए हैं, पर मैंने आपको ये दो एक ही दिखाया है। दो मेरे एक साइड में रखे हुए हैं, वो किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। फ्रेंड देखो बिल्कुल कितना सुंदर लग रहा है ये। अभी इतना घन का नहीं हुआ, पर बहुत अच्छा है। और फ्रेंड मेरे पास एक ही मदर प्लांट था, जो इसी सभी मैंने इसी से ही ग्रो किए थे, मदर प्लांट से ही। देखो फ्रेंड, अब ये भी ऐसे ही कर दूंगी मैं। इनकी जो बड़ी लीव्स है इनको मैं तोड़ दूँ, हटाती जाऊँगी, और जो छोटी छोटी आएंगी वो ऐसी ही आएंगी। इनमें से मैं इसका भी आपको बना के दिखाऊंगी। इसकी मैंने बड़े वाले पत्ते ऐसे हटा दिए, देखो जैसे ऐसे थे। और इनके जैसे हटा रहे हैं तो ये जो नीचे लिप्स आ रही हैं बिल्कुल छोटी छोटी, देखो ऐसे ऐसे बन जाता है ये। और फिर आप इंडोर भी रख सकते हैं, इसमें बहुत सुंदर लगते हैं इसके पत्ते देखने में, बिल्कुल प्लास्टिक जैसे। सुंदर से पोट में लगा के आप अंदर भी रख सकते हो। ये फ्रेंड देखो, ये भी उसी से लगाया है। ये अभी मैंने एक डेढ़ महीने, एक महीना हुआ होगा तभी लगाया है ये। और फ्रेंड ये एक ही प्लांट से बने हुए हैं। ये थोड़ा छाया में रखे हुए, और ये थोड़ा धूप वाले जगह पे था, ये बोतल वाला। इसके देखो पत्ते भी इतने अच्छे हो गए हैं। आप भी बना सकते हैं ऐसे ही, इसकी बड़ी लीव्स जो भी हो इसको हटाते जाएं, और ऐसे ही आपका मिनी सिंगोनियम प्लांट तैयार हो जाएगा, जैसे कि मेरा। देखो कितनी प्यारी लीव्स है इसकी। ये एक साथ नहीं हटाओ, जैसे एक हटा दी फिर वो नीचे से बड़ी छोटी छोटी पत्ती आने लगी, फिर हटाओ। फ्रेंड इसी तरह से आप हटाना। मैं इस वाली का बना रही हूँ, देखो इसका। और फ्रेंड बहुत आसानी से बन जाता है, ऐसा हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस इसके बड़े वाली पत्तियों को हटाते रहिए। और इसकी इतनी केयर की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं रहती है, छाया में रखते हैं तो बहुत अच्छा चलता है। बस तेज़ धूप में नहीं रखना चाहिए इस प्लांट को। फ्रेंड मैंने बहुत सारे कटिंग से ये प्लांट तैयार कर लिए हैं, पर इनको मैं मिनी सिंगोनियम प्लांट बना लूँगी ऐसे ही। इसकी भी पत्तियाँ बहुत अच्छी है। इसकी भी पत्तियाँ मैं हटा देती हूँ। इन तीनों चारों को प्लांट का मैं आपको अपडेट दूंगी जरूर। इसी तरह से मैंने ये बनाए हैं। और खाद इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट का ही लगाती हूँ, जिससे इसकी पत्तियाँ इतनी सुंदर हैं। ओके, फ्रेंड मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।